विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में संभावित सीएम योगी के नामांकन के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट परिसर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर विधानसभा से भाजपा से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और यह पहली बार है कि मंदिर का कोई व्यक्ति पहली बार शहर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा है, जिसको देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में 9 न्यायालय बनाए गए हैं, क्योंकि जनपद में 9 विधानसभा हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में कमरा नंबर 24 अहम है, क्योंकि माना जा रहा है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर विधानसभा के लिए नामांकन करेंगे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया और साथ ही पूरी जानकारी ली। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए कल से नामांकन प्रारंभ हो रहे हैं, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई, डबल लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है, सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जाएगी, ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी इसमें, और ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन की स्कीम जो तैयार की गई है उसे जारी किया जाएगा और इसमें चुनाव सेल से भी ड्यूटी लगी है और शहर क्षेत्र में सिटी ऑफिस से भी ड्यूटी लगाई गई है और पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। फोर्स जो है हमने अलग अलग लगाई है इसमें, क्योंकि कुछ ड्यूटियाँ चुनाव सेल से लगी हैं, वो चुनाव से जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके इन्फोर्समेंट के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट के लिए हम लोगों ने सिटी से ड्यूटी लगाई है।